दोस्तों, अगर आप भी दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा हर साल नई लेकर आते हैं तो ये 5 गलतियां कभी न करें। पहली, प्रतिमा की मुद्रा। प्रतिमा कभी भी खड़ी ना ले, बैठी हुई मुद्रा में ले। हमेशा ऐसी मूर्ति चूज करें जिसमें माँ लक्ष्मी जी कमल के आसन पर बैठी हो। अगर किसी वाहन पर होंगी तो चलायमान रहेंगी, क्योंकि उल्लू भी चलता है, गरुड़ भी और हाथी भी। माना कि हाथी थोड़ा धीरे चलता है, पर चलता तो है ना। अगर आप स्थायी लक्ष्मी की कामना कर रहे हैं तो कमल के आसन पर बैठी हुई लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो लेकर आएं। कौन कौन दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति मिट्टी की लेकर आता है, जरूर कमेंट कीजिएगा। दूसरा, मूर्ति के विसर्जन में जल्दबाजी। दोस्तों, पुरानी मूर्ति के विसर्जन में कभी भी जल्दबाजी ना करें। पता चले आप नई मूर्ति लेकर आए और दीपावली के दूसरे दिन ही आपने पुरानी मूर्ति को घर से बाहर निकाल दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उनका विसर्जन आराम से करें, क्योंकि आपने एक साल उस मूर्ति की पूजा की है, उसमें प्राण होते हैं और नई मूर्ति में प्राण आने में समय लगता है। लेकिन आप लोग यहीं पर गलती कर जाते हो। कभी कभी तो दीपावली से पहले ही लोग लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को घर से बाहर निकाल देते हैं। जब घर की सफाई करते हैं तो साथ में उनकी भी सफाई कर देते हैं। अब बताइए, अगर आप किसी को इतनी बेदर्दी से घर से बाहर निकालेंगे तो क्या वो आपके घर में दोबारा आना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं। और चाह सबको लक्ष्मी की है। तीसरा, मूर्ति का विसर्जन। ज्यादातर लोग लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का विसर्जन घर से बाहर करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का विसर्जन कभी भी घर से बाहर नहीं करना चाहिए, नहीं तो रिद्धि सिद्धि भी उनके साथ चली जाती है। इसलिए उनका विसर्जन अपने घर में ही करें, किसी गमले में, गार्डन में या फिर किसी क्यारी में। और विसर्जन आप कार्तिक पूर्णिमा पर कर सकते हैं, तब तक पूरे सम्मान के साथ उन्हें अपने घर में रखिए। चौथा है, मूर्ति की देखभाल। देखिए, जैसे आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, उन्हें नहलाना, वस्त्र बदलना, उनकी साफ सफाई इत्यादि, वैसे ही इन मूर्तियों की भी देखभाल होती है। ये मिट्टी की होती है तो इन्हें रोज नहलाया नहीं जा सकता, पर इनके ऊपर कोई निशान ना लगे, धूल मिट्टी ना आए, इससे उनकी सुरक्षा करनी पड़ती है। अगर आप इन पर रोज गीला चंदन, गीली रोली लगाते रहेंगे तो साफ करने के लिए भी आपको गीले कपड़े से रगड़ना होगा, और इससे मूर्ति पर खरोंच आएगी, कलर भी हट जाएगा और उसकी चमक भी कम हो जाएगी। और हो सकता है ये तिलक वगैरह लगाने के चक्कर में मूर्ति ही डैमेज हो जाए। इससे अच्छा है कि आप मूर्ति पर सूखा चंदन और सूखी रोली लगाएं और एक सॉफ्ट ब्रश से रोजाना साफ करें। अगर आपके घर में कोई सदस्य ऐसा है जो सिर्फ गीली रोली, गीला चंदन ही प्रयोग करता है, तो ऐसे में आप मूर्ति को किसी ट्रांसपेरेंट पन्नी से कवर कर दें। जब भी पन्नी गंदी हो जाए तो उसे बदल दें। पांचवा है, पूजा पाठ। अगर आप कोई भी नई मूर्ति लेकर आते हो तो कम से कम महीने में एक बार उसकी विधि विधान से पूजा अवश्य होनी चाहिए, जैसे आपने दीपावली पर की है। उसके लिए आप किसी भी अमावस्या पर, पूर्णिमा पर उनका पूजन कर सकते हैं। वरना लोग दीपावली पर तो माँ लक्ष्मी जी की खूब पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन बाद में माँ लक्ष्मी को भूल जाते हैं। ये तो गलत बात है ना। गलतियाँ आप खुद करते हो, फिर दोष भगवान को देते हो। अपनी इन 5 गलतियों को सुधार कर देखो। अगर जिंदगी ना बदल जाए तो कहना।